हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनीता एंड फूड ब्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी सी स्नैक्स की रेसिपी, जो बहुत ही कम समय बनकर तैयार भी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया। अब हम इसमें एक कप गेहूँ का आटा लेंगे और इसी में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और यहीं पर हम हल्का सा इसे आटे को फैला लेंगे और यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच हम रिफाइन ऑयल डालेंगे और इस तरीके से इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे आटे में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल को आटे में बिल्कुल अच्छे से मिला लिया। ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग हो जा रही है। तो यहीं पे हम अब इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे को मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर गूँथ लिया। इसे हम 10 मिनट के रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो जब तक आटा हमारा रेस्ट पे, तब तक हम यहाँ पे एक जार लेंगे। अब हम इसमें 1 कप मटर ऐड करेंगे और यहीं पे मैंने 2 हरी मिर्च और 3-4 लहसुन के लिए इसे हमने तड़का डाला और इसे अच्छे से हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो इसी तरीके से हमें पीसना है बिल्कुल दरदरा सा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है। अब हम इसमें पैन में तेल डालेंगे और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। तो तेल के गर्म होते ही हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे तेल में कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। तो कुछ सेकंड फ्राई होने के बाद यहीं पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हमने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला और हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला का भी पाउडर डाला था और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर भुन चुकी थी। तो इसी में हम मटर को ऐड करेंगे जो हमने पीस कर रखा था और इसे अच्छे से मिलाते हुए हम मसालों के साथ भुनेंगे करीब 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल अच्छे से मटर के साथ भुन चुकी थी। यहीं पे हम 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें हमने क्रश करके डाला। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और यहीं पे मैंने 2 मीडियम साइज का आलू को अच्छे से बॉईल करके छील लिया था और इसे अच्छे से हमने मैश कर लिया। इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिलाकर इसका एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहीं पे अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे भुन चुकी है, ये देखिए। तो यहीं पे अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे और अपने गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था और ये भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ठंडा हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे आटा भी बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है, तो इसे अच्छे से एक बार हम गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आटे को बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक लोई लेंगे आटा का और इस तरीके से इसे पहले गोल कर लेंगे और इसे हल्का सा इसे दबा लेंगे। तो हमें आटे के लोई को इस तरीके से दबा लेना है और हम आटे में इसे डस्ट करेंगे और अपने हाथों से इस तरीके से बनाकर इसका स्पेस बना लेंगे ताकि हम इस स्टफिंग जो हमने बनाकर तैयार किया इसे अच्छे से भर पाए। तो यहाँ पे हम करीब 1/2 छोटा चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसे घोल कर आटे में भर लेंगे और अब इसे इस तरीके से अपने हाथों से बंद करेंगे घुमाते हुए, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला नाश्ता बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और बाकी के नाश्ते को भी इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी नाश्ते को बनाकर इसे तैयार कर लिया। तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले से गर्म करके रखा था, तेल भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो हम सारे नाश्ते को इसमें डाल लेंगे और इसे 2 से 2.5 मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो जब ये एक तरफ से हल्का इसका कलर चेंज हो जाए तो हम दूसरी तरफ से पलट कर इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है। तो हम दोनों तरफ से अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से हमें फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी नाश्ते को एक प्लेट में अच्छे से निकाल लिया है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आटे का नाश्ता बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो चलिए आपको तोड़ कर दिखाते हैं। तो ये देखिए ये कितना खासा बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ। तो आप इस नाश्ते को किसी भी चटनी के साथ या फिर टमाटर केचप के साथ भी खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे अपने सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड कैसे लगे आपको हमारी सिंपल सी नाश्ते की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।